प्रभु श्री राम के पावन काज के लिए जनकपुरी महोत्सव की कार्यकारिणी भक्तों की सेना गठित हो गई है, जिसमें 8 संरक्षक, 4 संयोजक, 4 महामंत्री सहित 60 लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बुधवार को कोठी मीना बाजार स्थित श्री जनकपुरी महोत्सव कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। वहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य राहुल रावत ने विधि विधान व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सियाराम सहित राम दरबार का पूजन कर किया। जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए सभी सदस्यों को उनका पदभार सौंपा। ये आज गठित हुई है तो इसका मतलब ये है कि अब सारा कार्य बड़ी स्पीड से काम होगा, और कार्य तो पहले से ही चल रहा है हमारा, पर कार्यकारिणी गठित आज हुई, किसी का ऐसा कुछ नहीं था। कार्यक्रम तो सारे लोग अपनी टीम के लोग कर ही रहे थे, समिति के लोग सारा काम कर ही रहे थे। आप राजा जनक बने हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? राजा जनक जी तो प्रभु इच्छा थी, प्रभु ने सोचा कि राजा जनक बनाया। ये तो अब तो ये जिम्मेदारी है कि ये जनकपुरी बहुत भव्य और अच्छी होगी। देखिए, चूँकि जनकपुरी इस बार हम लोगों को रामलीला कमेटी द्वारा थोड़ा लेट दी गई है, इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग, समय हमारे पास बहुत कम था, काम बहुत ज़्यादा अधिक था, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले अपनी बुकिंगों पर ध्यान दिया, विकास कार्यों पर ध्यान दिया। जैसा कि पहले घोषणा में मैंने पहले दिन ही कहा था कि हम सभी राम भक्त बन के काम करेंगे, पद हम किसी के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम सब अपने निरंतर कार्यों को करते चले आ रहे थे। लेकिन चूँकि एक हमारी परम्परा का ये हिस्सा है कि पद भी बटना ज़रूरी है, आप सब लोग और बाकी सब लोगों के लिए भी एक ज़रूरी होता है, दस्तावेजों के लिए भी कि पद बांटे जाएं, इसी क्रम में आज हम लोगों ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करी है, जिसमें हम लोग लगभग 58 लोग हैं जो मिलकर के कार्य करेंगे, और इसके साथ ये श्रृंखला हमारी बढ़ती चली जाएगी। हमने अपने जनकपुरी क्षेत्र के समस्त क्षेत्रों को इस प्रकार से जोड़ा गया है कि समस्त क्षेत्र के लोग हमें मिलकर के सहयोग करें और इस कार्य को आगे बढ़ाएं, जिम्मेदारियों को बांटते हुए। राजा जनक प्रमोद वर्मा ने सभी पदाधिकारियों व सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि राम काज के लिए जो पद मिले हैं वह जिम्मेदारियां और दायित्व हैं, जिन्हें सभी लोग निष्ठा भाव के साथ निभाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बांके लाल ने कहा कि राम काज सरल नहीं होता, उसमें सुरसा रूपी अहंकार और सिंघनी जैसे अंधकार और ईर्ष्या जैसे व्यवधानों को श्री हनुमान जी की तरह पार करना होता है। वो जो हमने सोचा था, एक परिवार को और प्रामाणिकता दी गई है, ये परिवार जिन्होंने प्रण लिया था जनकपुरी इस मिथिला नगरी को भव्य और दिव्य बनाने का, आज सभी लोग पदाधिकारी के रूप में सुशोभित हैं, सभी लोग आपके समक्ष हैं, और ये परिवार ने जो संकल्प लिया है, एक दिव्य जनकपुरी, भव्य जनकपुरी, एक अलौकिक जनकपुरी, इसकी प्रामाणिकता आपके चैनल के माध्यम से जब आप आएंगे, जब राय राम इस जनकपुरी के दिव्य और भव्य मंच पर विराजमान होंगे, तो इस संकल्प का जो परिणाम होगा वो आप वहाँ देखेंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष और पूरे आगरा, पूरे उत्तर प्रदेश के राम भक्तों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप आएँ और इस दिव्य और अलौकिक जनकपुरी का आप भी एक हिस्सा बने। ये कार्यकारिणी का विधिवत रूप से आज उद्घाटन हुआ है। हमारे मार्गदर्शक जो हमारे आदरणीय केशव जी, बांकेलाल जी, हमारे अशोक जी, कुलसरेश जी भाई साहब, इनके नेतृत्व में इनके समक्ष जो कार्यकारिणी गठन हुआ है, ये केवल एक जिम्मेदारी, एक दायित्व हमें मिला है। लेकिन हम पिछले एक महीने से लगातार दिन रात एक किए हुए हैं, पिछले एक महीने से हमने न दिन देखा न रात देखा है, और लगातार घर बार छोड़ करके, अपना व्यापार छोड़ करके एक ऐतिहासिक धर्म के क्षेत्र में लगे हैं। एक ऐतिहासिक कार्य जो मां सीता का काम मिला है, भगवान श्री राम का काम मिला है, इसको पाकर के हम बड़े गदगद हैं, और ऐसा अद्भुत कार्यक्रम होगा, इससे ऐसी अद्भुत जनकपुरी यहाँ पे सजने जा रही है कि अब तक के इतिहास में ऐसी जनकपुरी नहीं सजी होगी। और प्रभु श्री राम हमको हिम्मत देंगे, प्रभु श्री राम हमको शक्ति देंगे, हमारी ये पूरी टीम और हमारे ऐसे बहुत देवतुल्य कार्यकर्ता हैं जो लगातार हमसे काम के लिए बोलते हैं, और ऐसे सभी देवदुल कार्यकर्ताओं के चरणों में नमन करता हूं जो दिन रात ये करके इस माँ सीता जी के, माँ श्री भगवान श्री राम जी के काम में लगे हुए हैं, और आपके माध्यम से सभी शहरवासियों से गुजारिश भी करूंगा। वही कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों ने पदभार संभालते हुए जानकारी महोत्सव को दिव्य व भव्य बनाने के लिए श्रद्धा भाव के साथ काम करने का आश्वासन दिया। संचालन गौरव रजावत ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अशोक कुलश्रेष्ठ, केशव बांकेलाल, भवेंद्र भी मौजूद रहे। मिथिला नगरी सजाने को लिए आपने देखा होगा एक बहुत अच्छा गुलदस्ता यहाँ पर 60 समिति के लोगों का यहाँ पर एकत्रित है, और निश्चित ही इस मिथिला नगरी को बहुत भव्य, दिव्य और नव्य तरीके सजाया जा रहा है। क्योंकि सारे कार्य एक माह पूर्व से सभी लोग लगे थे, लेकिन एक संगठन की एक गरिमा होती है, उसमें महामंत्री का पद सुशोभित होता है, उपाध्यक्ष का पद सुशोभित होता है, और सभी लोगों को अपना अपना दायित्व का निर्वाह करना पड़ता है, लेकिन सभी लोग एक मन से
और अपने आप को सभी भगवान राम जी का भक्त समझकर सारे कार्यों में लग गए हैं और निश्चित ही अब की बार की जनकपुरी एक बहुत भव्य दिव्य और नव्य के रूप लेगी। और अब सब लोगों को जहाँ कंजेस्टेड होती थी वहाँ सब लोगों को सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, पार्किंग की व्यवस्था को देखते हुए आप यहाँ देखेंगे एक बहुत अच्छा सुशोभित, एक बहुत अच्छी थीम यहाँ पर आपको मिलने वाली है। मुझे आज बहुत हर्ष हो रहा है कि मेरे सागंज इलाके में जनकपुरी का आयोजन हुआ है, जो इतने महानुभाव शख्सियत हमारे सामने बैठे हुए हैं और इनको बहुत बड़े पद दिए हुए हैं, जिसमें एक छोटा पद मेरे को भी मिला है मंत्री का, जो जनकपुरी महोत्सव के अंदर से। मैं चाहता हूँ ऐसे उत्सव होने चाहिए और ये हमारी मतलब ये सागंज की या बोलना चाहिए क्षेत्र की नाम को उठाने में आगे रहेगा। वहीं हम आपको बताते चलें कि संरक्षक के रूप में महंत योगी शंकरनाथ, अजय राजौरिया, पूरन डाबर, डॉक्टर आशुतोष सक्सेना, डॉक्टर अलका सेन, डॉक्टर कमल चौधरी, सुशील रामनानी, गौरव बंसल रहे। तो वहीं संयोजक के रूप में गौरव रजावत, हेमंत भोजवानी, राहुल चतुर्वेदी, अनुराग उपाध्याय। इसी क्रम में महामंत्री पद पर मुनेंद्र जादौन, राहुल सागर, विवेक शर्मा, निशांत चतुर्वेदी। और लोगों को बड़ी अपेक्षाएं कि ये भव्य और दिव्य जनकपुरी इस बार सजेगी और समाज का प्रत्येक वर्ग, जो अंतिम पायदान पर रहने वाला हमारा समाज का ऐसा वर्ग है, वो भी इस प्रभु श्री राम जी की जो आगवानी करने का उसको काम करेगा। तो ये क्षेत्र में बहुत हर्ष की बात है कि प्रत्येक वर्ग को इसमें सम्मिलित करा गया है, सब लोग अपना समझ के प्रभु श्री राम जी की इसमें सेवा करेंगे। इसके साथ हमने एक विशेष बात और रखी है कि पत्रकार बंधुओं का हमेशा ये रहता है कि वो कवरेज के लिए रहते हैं, उसके साथ उनके परिवार के लोग कभी बैठ के जनक महल का आनंद नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हमने कमेटी में प्रस्ताव करा है कि उनके लिए अलग से एक दीर्घा बनाई जाए परिवार के लोगों के लिए, वो भी बैठकर जनक महल का मंचन का और प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने का लाभ पाएं। तो सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ रामलीला कमेटी को, जिन्होंने इतना अच्छा हमें मौका दिया सागंज क्षेत्रवासियों को। 144 साल में पहली बार जो जनकपुरी सजने जा रही है वो सागंज क्षेत्र द्वारा सारी कमेटी के द्वारा सजने जा रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मीडिया कर्मियों को, जो लोग सभी लोग इतने लोग आए हैं और आपकी छत्रछाया में सारी चीजें सूचनाएं जितने भी है सब कुछ हम लोगों को मिलने जा रही है। प्रभु श्री राम के इन कामकाजी की कड़ी में उपाध्यक्ष पद के लिए संजय अग्रवाल, सत्येंद्र तिवारी, दिलीप खंडेरवाल, सुमित सतीजा, सचिन महाकाल, कोषाध्यक्ष के लिए सतीश शर्मा, सह कोषाध्यक्ष देवेंद्र कुमार को चुना गया। इसी क्रम में मीडिया का प्रभाव राजीव शर्मा को सौंपा गया। मून न्यूज के लिए कैमरामैन ताराचंद के साथ अनिल चौधरी की रिपोर्ट।